सरायगंज थाना क्षेत्र के गांव गुगौरा में एक किसान का शव मक्के के खेत से बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। कमालगंज थाना क्षेत्र के गुगौरा गांव निवासी घुरई लाल का शव बुधवार देर रात मक्के के खेत में पड़ा मिला। घुरई लाल के नाक से खून आ रहा था, पास ही एक बेल्ट पड़ी थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रात में ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों ने बताया कि घुरई लाल शाम 5 बजे मक्के की रखवाली करने के लिए गया था, देर रात लौट कर नहीं आए तो तलाशी शुरू की गई। खोजबीन के दौरान खेत में उनका शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बेटे प्रवीण व परिवार के अन्य सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल हुआ है। परिजन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने बताया, परिजनों की सूचना पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। रिपोर्ट में जो निकल कर आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राहुल गुप्ता, फरुखाबाद, समाचार 24। नाम क्या भैया? राजेश कुमार। ये कौन सा गाँव में जो लाश मिली है, ये कौन क्या हो गया? क्या हो गया मामला पूरा बताओ, क्या हो गया? ये अपने खेत में गए थे घूमने सर, खेत को देखने जी। और वहीं पे मतलब हम जब गए घर मतलब बाजार से, तो इनको देखा तो मतलब ये वहाँ पे मरे पड़े थे। क्या मतलब क्या आशंका है, किसने मर्डर कर दिया, क्या कोई पहले कोई रंजिश है, क्या है, क्या मामला है? अभी कुछ बताया नहीं जा सकता सर, अपने खेत ये तो कुछ करते भी नहीं थे सर, कभी जुआ शराब कुछ भी गलत काम नहीं करते थे, बहुत सीधे थे। तो मतलब कैसे क्या मर्डर हुआ, कैसे क्या सूचना दी पुलिस को? घर से गए मतलब चले गए खेत में देखने घूमने। कितनी उम्र है इनकी? उम्र इनकी होगी 60 करीब, 60-65। क्या नाम है जिस व्यक्ति की मौत? घुरई लाल। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश कुमार। कल 9/9/2020 को थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम गुगौरा के रहने वाले घुरई लाल, जो जिनकी उम्र करीब 56 वर्ष थी, वो अपने मक्के के खेत की ओर खेत देखने के लिए गए थे। देर तक वापस ना आने पर परिजनों को आशंका हुई, जाकर देखा तो खेत में मृत अवस्था में उन्हें पाया गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, मौके पर जाकर जब पुलिस ने देखा तो कोई जाहिरा तौर पे कोई चोट उनके शरीर पर नहीं थी। परिजनों के अनुरोध पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। यदि पोस्टमार्टम के बाद कोई तथ्य सामने आता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।